नमस्कार दर्शकबिन म सुफिया यतिखेर हामीसँग इटहरी निवासी समाजसेवी थारू कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय सदस्य उर्मिला गच्छदार हुनुहुन्छ। थारू समुदायको महान पर्व जितियाको विषयमा उहाँले आफ्नो भाषाबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। नमस्कार, म गोर्लाक छुन। हमर नाम उर्मिला गच्छदार। हम जितिया पावनके लागि बोली रहल छिन। आबैवला जितियाके 8 गते 9 गते जितिया पावन हावी रहल छै, ओकरे बारे बोल छौन। जितिया पर्व कुन होइ छै कि निराहार व्रत एकदम। ईटा जितिया पावन महिला सब करछै, मेची से महाकाली सब सबे जात जाति करछै, अपन मधेश के थारू सब सब जाति सब करछै करछै। ईटा पावन जितिया पावन कुन छी कि अपन बाल बच्चा के लागी कर छी। जितिया पावन एक दिन लाही कर छी, तेल खौर घेरा के पता ने तेल खौर चढ़सी, सूरज भगवान के गोर लाग छे। इटा जितिया पावन कैम कर छी, अपन बाल बच्चा कोनो घटना कुघटना से बात से उठा कर छी। तोहर माँ तो जितिया पावन करल कुछ यहाँ से ते बाची गेलास। इटा निराहार व्रत जेहने पहाड़ी समुदाय ने इटा तीज हे छै, ओने हमरो सिया के जितिया पावन हे छै। निराहार व्रत अपना बाल बच्चा घर परिवार गांव समाज एकदम स्वस्थ रहो, निकल कुशल रहोस कामना यह कर छी। जितिया पावन, जितिया पावन यह के लागी कर छी। बहुत महिला सब के इतना महान चार पर्व जितिया से यह 8 घड़ी के दिन में कर छे। जितिया पावन असोज 8 गते घड़ी ने पड़ छे जितिया पावन। यहाँ से निराहार व्रत आजू लाही कर छे बिहान जेने पहाड़ी समुदाय ने ओठगन खेच दर खेचे, उन्हें हमरो से थारू भाषा ने ओठगन कहे। ओठगन खेचे बिहान 4 बजे उठे उठी काके ओठगन खेचे। उठगना अपना बारह पकवान अपन चली बेटी के अपन धी बेटी के बोल से बेटी के पुतो लहरा जैसे बेटी सब अपन लहराइए छे। सोहारी लेके खाना पीना बारह पकवान कर छे। माछा मासु एकदम भव्य सभ्य से बेटी सबके अपन जकरा हे छे अपन कपड़ो लता बेटी सबके दे छे। नहीं दे एकदम बेटी सबके बाल बच्चा ये छे, बेटी पुतो सबके अपन लहरा जैसे पुतो सब बेटी सब अपन लहराइए छे। यहाँ खास करके जितिया पावन ने वर्ष दिन के पावन से जितिया पावन इटा मेची से महाकाली तकले मन से सब जात जाति मन से